तो मतलब इन द सेंस ऑफ जॉब सिक्योरिटी ये एक तरीके से सरकारी जॉब की तरह, हाँ आप कह सकते हो, मतलब आप अगर बाकी एस्पेक्ट्स में नहीं है, हाँ, जरूरी नहीं है आपके 85% नहीं है तो आप टीसीएस में नहीं जा सकते, 85% वाला भी हमारे साथ टीसीएस में। और मोस्टली लोगों को पता है सर्विस बेस्ड होती है, एक होती प्रोडक्ट बेस्ड, एक होती सर्विस बेस्ड। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज मोस्टली अपने प्रोडक्ट्स पे काम करती है तो उनका कोई क्लाइंट नहीं होता, मतलब। तो ऋषभ भाई ने एज एन आईटी इंजीनियर 2 साल काम करने के बाद अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करी है। जितना मैंने मोस्टली लोगों को देखा वो काम सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, बिल्कुल, मतलब बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो अपने पैशन के लिए, मतलब उसके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर सूरजपुरी और आपका स्वागत करते हैं ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो भाइयों, आज जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा स्पेशल वीडियो होने वाली है, और हमारे साथ बछड़ा महाराज और बेगू महाराज साथ में हैं, और दोनों वर्किंग हैं और आज छुट्टी ली है हमने जैसे तैसे, और आज स्पेशल मौका इसलिए क्योंकि इनके 2 साल हो गए आज किसमें, टीसीएस में, उनके वो भी टीसीएस में ही है पर उनके 2 महीने हुए। ट्रू चिप सॉल्यूशंस, टाटा कंसल्टेंसी सॉल्यूशंस सर्विसेज, हाँ। तो इनकी भाई दोनों ही बहुत बड़ी कंपनी अपने अपने में, ये आईटी कंपनी है इनकी और उनकी सेमीकंडक्टर कंपनी है, ठीक है, और काम दबा के करवाती हैं, पैसा भी दबा के देती हैं। अब इनका एक्सपीरियंस दिखा देते हैं आपको। बहुत हमारे भाई कमेंट में ये कह रहे थे कि भाई प्लेसमेंट कैसे होती है, अब ये तुम्हारे सामने बैठे हैं 2 साल का एक्सपीरियंस लेके, ये मेरे से बेहतर बता पाएंगे आपको। टेंशन मत लो, आपके लिए स्पेशल वीडियो है, 100 किलोमीटर दूर से बुलाए वीडियो बनवाने के लिए। लैपटॉप जो कि टीसीएस की तरफ से मिला हुआ है, 2 साल हो गए इसको और बहुत फास्ट चलता है। इसमें कितनी जीबी रैम है ये देखो, बहुत हल्का है, मेरे को नहीं पता भाई क्या है, पर ये मैंने चला के देखा था बहुत फ्लुएंट चलता है। अब ये अगर मान लो टीसीएस छोड़ेगा ना तो इसे वापस भी ले लेंगे, ठीक है ना, जब तक काम कर रहे हैं ना, जब तक देते हैं वैसे पूरा सड़ा पड़ा। अभी दोनों भाई हैं अपने पास, पहले हम इसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। एज ए आईटी इंजीनियर 2 ईयर्स कम्प्लीटेड इन टीसीएस, और आज ही कम्प्लीट हुए, ऐसा मत समझना, एक दो दिन का फर्क है, आज कम्प्लीट हुए ना। इसके पास अभी इसके पास मैसेज आएगा तो मैं दिखा दूंगा आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आता है इनके पास टीसीएस से, और कुछ मिलता भी है गिफ्ट वगैरह। ये बहुत बहुत बधाई हो इनको 2 साल कम्प्लीट करते हुए टीसीएस में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, हम पहले बोला भी नहीं जा रहा इतना लंबा नाम है, तो कंपनी कितनी बड़ी। टीसीएस एनक्यूटी होता है ना टेस्ट, एक्चुअल में ये होता है कि जैसे आप कॉलेज में हो, थर्ड ईयर में आपके एंड में या फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग में क्या होता है के एक एनक्यूटी टेस्ट होता है, नेशनल क्वालिफायर टेस्ट, तो वो टीसीएस का पहले क्या होता था, टीसीएस पहले हर कॉलेज में आके पहले कैंपस पर देती थी, कैंपस बट अब ये हो गया है कि एनक्यूटी टेस्ट के थ्रू वो लेते हैं। एनक्यूटी में ये होता है जैसे आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है 10th और 12th में, सेम एनक्यूटी का एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं वो लोग नेशनल क्वालिफायर टेस्ट, एप्टीट्यूड रहता है उसमें, एप्टीट्यूड होती है, अच्छी कोडिंग होती है, तो वो आप क्लियर करनी होती है, वो एक हार्ड थोड़ा चैलेंज होता है करने के लिए, जिसको थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होगी या जिसको थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज होगी उसको करने की, वो क्वालिफाई कर जाता है। एग्जैक्टली, उसके बाद वो जो टीसीएस वाले होते हैं वो मतलब एक हर शहर में या किसी भी जगह पर वो अपना एक बेस लोकेशन किसी कॉलेज को चूज कर लेते हैं, अपना उनका एक जो भी उनको बेस लोकेशन सेलेक्ट करनी होती है वो सेलेक्ट करते हैं, फिर वहाँ पर जो भी बंदों जिन जिन का लोगों का भी वो एनक्यूटी निकला है, ठीक है, उनको फिर वो मेल करते हैं कि आपको इधर आना है, वो भी अपनी मतलब जगह पिक करके लोकेशन पिक करके उसके बाद फिर बताते हैं जो भी कैंडिडेट्स होते हैं कि आपको यहाँ आना इंटरव्यू देने के लिए। तो दोस्तों, इतनी नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगी, जो मतलब टीसीएस में जॉब कर रहे हैं ना उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वीडियो बनाए। ये जो बता रहा है ना, एक एक चीज़ अगर आपने ध्यान में दे ली तो अगर आप 2nd, 3rd, 4th ईयर में भी हो तो आपका आराम से हो जाएगा। और एप्टीट्यूड पे मतलब उसमें एप्टीट्यूड और क्या क्या आता है, एप्टीट्यूड आता है उसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट में एक्चुअल में क्या होता है, आपका मैथमेटिक्स आएगा, रीजनिंग आएगा, रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसमें रीजनिंग क्वेश्चंस में थोड़ा इंग्लिश भी दे रखा होगा आपको, इंग्लिश में भी आपको बेसिक नॉलेज आनी चाहिए, काइंड ऑफ ग्रामर एंड ऑल। इसके अलावा कोडिंग आपका है मिलिट्री, हाँ। मेरा जो हुआ था, हाँ। हमारे थोड़ी जो स्ट्रीम है हमारी अलग है, हमारी जो हाँ वो मैं आपको बताने वाला था, इसका एनक्यूटी टेस्ट नहीं है, ये पैगा डेवलपर है तो इनका एनक्यूटी टेस्ट नहीं होता, इनका पैगा का सर्टिफिकेशन होता है अलग से, हाँ। तो हाँ। हमारा जो है वो जो टेक्नोलॉजी वो अलग है, जो एनक्यूटी होता है ये बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जो मतलब जो सी जिनकी टेक्नोलॉजी सी जावा पाइथन वो होती है, उसमें पहले मैं आपको इसमें एक्सटेंड करके बताता हूँ। तो इसमें भी 2 चीजें होती हैं टीसीएस के जो एनक्यूटी टेस्ट होता है, आपने इसे क्लियर किया तो उसके बाद आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी होती है अपने कैरियर को एक अच्छा ग्रोथ देने के लिए, टीसीएस के अंदर उनका एक डिजिटल टेस्ट होता है, असेसमेंट टेस्ट होता है डिजिटल के लिए, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसमें अगर आपने वो क्लियर किया तो आपको सैलरी में भी हाइक मिलेगा, आपको पोस्ट में भी हाइक मिल जाएगा, आपको ये पोस्ट होगी डिजिटल में हो जाएगा, आप निंजा से टीसीएस डिजिटल में आ जाओगे और डिजिटल में एक्सपोनेंशियली बढ़ता है ना पैकेज। भाइयों, इस बंदे का ऑल क्लियर था पूरा बीटेक में और 85% नंबर है, बहुत अच्छे नंबर है, ए ग्रेड है, और जरूरी नहीं है आपके 85% नहीं है तो आप टीसीएस में नहीं जा सकते। प्लेसमेंट के टाइम पे जिनको जिनकी करंट बैकलॉग होती है उनको इश्यू आ सकता है इस चीज को, बिल्कुल बिल्कुल, आपको बैक क्लियर कर देनी है प्लेसमेंट से पहले, पहले आपको जितनी भी बैक है मेक श्योर कि वो आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, आपको जो बैक लानी है फर्स्ट ईयर में ले लो, सेकंड ईयर में मेक श्योर कैसे भी करके थर्ड ईयर में अवॉइड करने की कोशिश करो, फोर्थ ईयर में तो आप नहीं आओ तो आप ये बहुत बड़ा क्राइम होगा अगर आप। भाई ये और बताइए कि टीसीएस को सरकारी नौकरी बोलते हैं, क्या सच है आपको सरकारी जैसा लगता है कुछ इसमें? नहीं देखिए,
एक्चुअल में डिपेंड करता है टीसीएस एक मतलब मोस्टली लोगों को पता है सर्विस बेस्ड होती है, एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड, एक होती है सर्विस बेस्ड. प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज मोस्टली अपने प्रोडक्ट्स पे काम करती है तो उनका कोई क्लाइंट नहीं होता, मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, किसी को सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी होती. जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है ये जितनी जितनी भी एमएनसी है ये सारी जो होती है ये आपकी सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है, मींस इनके खुद के क्लाइंट्स होते हैं, बैंकिंग के, हेल्थ केयर के, मैनेजमेंट के, तरह तरह के क्लाइंट्स होते हैं. तो वो उन क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं थ्रू जो उनके टीसीएस के एम्प्लॉयज होते हैं, उनको वो आउटसोर्स करते हैं क्योंकि इनको 2 साल हो चुके हैं. तो ऋषभ भाई ने एज एन आईटी इंजीनियर 2 साल काम करने के बाद अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करी है. दिखाना सीमेंट कॉइन. सीमेंट कॉइन नहीं भाई, हम पे थर्माकोल का कॉइन है. सीमेंट कॉइन ये क्या है? मैं पहली बार में क्रैक कर दी थी. हाँ ठीक है ना. ये भी एक हाईलाइट है कंपनी क्रैक कर. हाँ जो क्रैक कंपनी तक क्रैक करता है. तो उसके बाद अब मतलब लोगों के मतलब परसेप्शंस होते हैं कि मतलब टीसीएस सरकारी नौकरी है. आई मीन सरकारी इन द सेंस ऐसा नहीं है कि मतलब आपका कोई काम धंधा नहीं होता, आप कुछ नहीं करते, खाली बैठे रहते हो, ऐसा कुछ नहीं. पहली चीज़ तो ये है कि ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. जैसे आप टीसीएस के अंदर एंटर तो कर गए ठीक है, लेकिन टीसीएस में 6.5 लाख लोग हैं, आपको कोई कुछ नहीं जाने का, कोई कुछ नहीं, जब तक कि आप किसी प्रोजेक्ट पे ऑन बोर्ड ना हो जाए. टीसीएस के लिए आप काम नहीं करोगे, आप टीसीएस के अंदर काम कर रहे हो लेकिन आप किसी क्लाइंट थर्ड पार्टी के लिए काम कर रहे हो, थर्ड जो टीसीएस का क्लाइंट है. जैसे कि बैंक के लिए काम कर रहा है, बैंक ऑफ अमेरिका के लिए, सीआईबीसी बैंक के लिए. मैं कैनेडियन बैंक पे काम कर रहा हूं. तो वो क्या है, वो टीसीएस का क्लाइंट है, टीसीएस ने मुझे वहां पर आउटसोर्स किया है उनके लिए काम करने के लिए. सो ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट के, आपका प्रोजेक्ट एग्जिस्टिंग है, नया है, बड़ा है, छोटा है, कॉस्ट इफेक्टिव है, बजट फ्रेंडली है या हैवी बजट है, वो सब डिपेंड करता है. उन्हीं सब चीज़ों पे आपका काम डिपेंड करेगा. अगर मतलब छोटा प्रोजेक्ट है तो उसमें चांसेस हैं कि ज़्यादा काम नहीं हो, मतलब खत्म होने वाला प्रोजेक्ट. अगर न्यू प्रोजेक्ट है तो उसमें आपके पास काफ़ी ज़्यादा काम होगा. अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो आपके पास किसी दिन ऐसा होगा जब बहुत ज़्यादा काम होगा. कि कभी कभी ये सारी चीजें हैं, मतलब ये जो परसेप्शन सरकारी नौकरी ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आपकी जो नौकरी होती है, जो आपकी जॉब होगी वो सिक्योर जरूर रहेगी अंटिल और अनलेस आप टीसीएस के जो कोड ऑफ कंडक्ट या उनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको आप तोड़े ना, ब्रेक ना करें. तो मतलब इन द सेंस ऑफ जॉब सिक्योरिटी ये एक तरीके से सरकारी जॉब की तरह. हाँ आप कह सकते हो, मतलब आप अगर बाकी एस्पेक्ट्स में नहीं है. हाँ वैसे नहीं है कि आप की सोच रहे हो सरकारी नौकरी है तो उसमें सायरन मिलता है, पीछे 3-4 काफिला चलता है. नहीं नहीं नहीं, सायरन तो हमारी ऑफिस में चलता है. ऐसा होता है कि मतलब अगर आपको ये लगे कि मतलब वहाँ लग गई जॉब तो कुछ काम करने को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है. अगर मतलब मोस्टली लोगों को मतलब ये जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन जो लोग ये सोचते होंगे उनके लिए ये है, मतलब वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. मतलब कुल मिला के टीसीएस अगर आप दो साल काम भी नहीं कर रहे ना, बैठक खा देगी पर आपकी ग्रोथ नहीं होगी. हाँ ग्रोथ ये तो आपकी ग्रोथ है, पर आपको ये लग रहा है कि नहीं बैठे बैठे चल रहा है तो उसमें आपकी ग्रोथ हो जाएगी, आपको पैसे मिलते रहेंगे, कोई काम मिल जाएगा कोई किसी के प्रोजेक्ट में. वैसे वो कोशिश करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम कि आपको कहीं प्रोजेक्ट में ऑन बोर्ड करवा दें, नहीं तो वो आपके प्राण पीने स्टार्ट कर देंगे उनका, क्योंकि उनको आपसे पैसा कमाना है. तेरा कितने दिन में प्रोजेक्ट लग गया था? इनके तो बीच में कोरोना आ गया था तो उसकी वजह से इनकी ज्वाइनिंग लेट हुई थी. ठीक है, हमने मतलब कुछ पहले वो कोर्सेस ट्रेनिंग एंड ऑल वो सब करवाते हैं तो उसी में टाइम लग जाता है. मतलब वो सब फॉर्मेलिटी है, क्या है, मतलब वो दिखाना चाहेंगे अपने क्लाइंट को कि हमारा जो बंदा है, हमारा जो एम्प्लॉई है, उसने ये सब कोर्स कर रखा है. जी जी. मतलब कोई उसकी इंपॉर्टेंस आपके स्किल को लेकर रिज्यूम डेकोरेट करने के लिए, रिज्यूम भी डेकोरेट नहीं, बस वो आपके प्रोफाइल में चिपक जाएगा कि आपने ये कर रखा है. तो जो टीसीएस होगा वो अपने क्लाइंट को दिखाएगी, देखो हमारे इतने टैलेंटेड है, हालांकि चाहे उसमें आपकी ग्रोथ हुई हो नहीं हो, मतलब जैसे वॉशिंग मशीन के सेल्समैन दिखाता है, ये देखो 5-star रेटिंग है. एग्जैक्टली, सो काइंड ऑफ उसी टाइप से होता है. तो उसके बाद क्या है कि मतलब आपके पास कॉल आती है इंटरव्यूज के लिए, फिर वो आपको पिक करना होता है कि वो आपकी टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक कॉल है, प्रोजेक्ट की कॉल है नहीं. अगर आपकी है तो आप हाँ कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप उनको ना कर सकते हो कि दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू माय प्रोजेक्ट, दिस इज नॉट रिलेवेंट टू मी टू माय वर्क, सो मैं इसमें काम नहीं कर सकता, आई एम आउट. आपको कोई भी डाउट हो तो आप मतलब कमेंट कर सकते हो, भाई रिप्लाई कर देगा, मैं रिप्लाई करूंगा, सब कोई भी रिप्लाई कर सकता है जिसको उसके बारे में नॉलेज होगी. आप हमारे भाइयों को ब्रीफ में बताइए क्योंकि इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, अभी नए नए फोर्थ ईयर में हैं. ये है कि जितना हो सके अपनी स्किल्स पे ध्यान दें, स्किल्स इन द सेंस कोई टेक्निकल स्किल अच्छे से पकड़ के रखें, अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करें, मैथ के बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लें, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर लें अपनी, और थोड़ा इंग्लिश पे भी अगर आप मतलब इंग्लिश इतनी फ्लुएंट नहीं लेकिन इतना कि आप अपने मैसेज को कन्वे कर सकें, ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है. प्लस अगर हो सके तो थोड़ा आप ग्रामर पे ध्यान दें क्योंकि ये सब नॉट ओनली इन टीसीएस बट आल्सो जितनी भी अदर कंपनीज होती है वहाँ भी ये सब चीजें रिक्वायर्ड होती हैं. इंग्लिश मैन्युफैक्चरर आईटी कंपनी. हाँ
बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं इसको छोड़ देना चाहिए काम मतलब ऐसा काम में मजा आता है या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब बहुत बोरिंग हो रहा है? ऐसा होता है एक्चुअली, जब नया नया काम मिलता है ना उस टाइम तो थोड़ी एक्साइटमेंट, थोड़ी नर्वसनेस, एक्साइटमेंट भाई फर्स्ट जॉब, नर्वसनेस तो रहती है, हर किसी को रहेगी, पैसा ही पैसा होगा और एक्साइटमेंट भी रहती है, एक्साइटमेंट बहुत रहती है, लेकिन धीरे धीरे जस्ट टाइम पासेज ना वो जो एक्साइटमेंट होती है वो धीरे धीरे डल होनी स्टार्ट हो जाती है, वो हर किसी के साथ, वो हर जॉब में, हर जॉब में कितनी बड़ी जॉब क्यों ना हो बोर हो जाएगा एक दिन आदमी। देखो ये इस यहाँ पर जितना मैंने मोस्टली लोगों को देखा वो काम सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, बिल्कुल, मतलब बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो अपने पैशन के लिए, मतलब उसके लिए, सबका मेन मोटिव होगा कि मुझे पैसा, सबका मनी है जो तुमसे काम करवा रहे हैं उनका मोटिव भी मनी है, ऐसा नहीं है कि वो अपना मूड फ्रेश करने के लिए तुमसे काम करवा रहे हैं, सबकी फाउंडेशन है तो सबको काम करना होता है, तो बस यही है कि किसी को ज्यादा मजा आता है किसी को कम मजा आता है, वो पैसे के लिए करता है, तरह तरह की चीज सबके अपने अपने। अभी हम इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, ठीक है? अगर आपके कमेंट्स आएंगे कि और चीज आपको जानना है, आप इंटरेस्टेड हो प्लेसमेंट, हाँ, क्योंकि हमारे जो व्लॉग देखते हैं उसमें स्टूडेंट्स भी मोस्टली हैं, देखने वाले व्लॉग हमारे देखते काफी दोस्त हैं अलग अलग कंपनी में, जी असेंचर में भी है, कैपजेमिनी में भी है, सबसे बात करवा देंगे आपको, मतलब हर क्षेत्र में, आईटी इंजीनियर और वीएलएसआई इंजीनियर, सेमीकंडक्टर, हर क्षेत्र में, हमारे एमटेक में भी है फ्रेंड्स, पर आप बोलोगे जब ना यार ऐसा नहीं, हम नहीं बनाएंगे ऐसे, ठीक है, देखे नहीं हम बनाए जी। तो ये इनका 2 साल का एक्सपीरियंस था, पूरा इनने ब्रीफ में कवर कर दिया, हाँ, जितना हो सकता था, बिल्कुल, जैसे डिमांड आएगी वैसे सप्लाई होगी, इसमें तीनों चीज कवर करी इन्होंने, कि इनकी प्लेसमेंट कैसे हुई, तैयारी कैसे करी इन्होंने, इनका 2 साल का एक्सपीरियंस कैसे हुआ रहा, और इनसाइट्स, थोड़ा इनसाइट के मतलब क्या सर, और एक चीज और रहेगा, ये आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का प्लान फ्यूचर में देखेंगे, लॉन्ग टर्म गोल क्या है? लॉन्ग टर्म गूगल में जाना, देखी जाएगी गूगल में, आईटी इंजीनियर, गूगल का सीईओ बनना, ये तो भाई किडिंग कर रहे हैं, किसी को नहीं पता कल क्या हो, हाँ, exactly. हाँ, जैसा आज ये कुछ और सोच रहा है क्या पता कल माइंड चेंज हो जाए, हाँ. तो हम ऐसा नहीं बता सकते, हम पहले से एज्यूम करके या बता के कुछ नहीं चलते कि हम ये करेंगे, ठीक है ना भाई, चांस जब हो जाता है जब बताना चाहिए, ठीक है? तो भाइयों ये थी यहाँ तक वीडियो हमारी, और 2 साल का एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा हो तो बताना, और इस वीडियो को खत्म करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, इनके हाथ चटक गए आज का, फिर मैंने ले लिया बहन की रहने काम जाएगा भाई, हाँ तो तेरे चटक गए थे, हाँ अभी हमारे साथ वीडियो में आते रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आते ही रहें, ठीक है, हाँ, पुरानी वीडियोस देख लो, हाँ हाँ, और आप किस टाइप के ब्लॉग चाहते हो वो भी बता देना, घरेलू ब्लॉग तो हम निकाल ही रहे हैं पर घरेलू पे इतने ज्यादा व्यू नहीं आ रहे हैं, लोग इंटरेस्टेड नहीं है, हाँ आप इंटरेस्ट बताओ, हम हर तरीके के ब्लॉग निकालने के लिए तैयार हैं, एग्जैक्टली, ठीक है, आप कमेंट करने के लिए तैयार तो हो जाओ पहले, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।